दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं डीयू में आर्ट्स और सोशल साइंसेज के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो किस कॉलेज द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है, मतलब कौन से कॉलेज ये प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहे हैं, क्यों ये ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है, उस प्रेफरेंस लिस्ट में कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होने वाले हैं ये आपको पता चल जाए, ताकि रिसर्च आप उन पर कर पाओ और करने के साथ साथ एक बेहतर प्रेफरेंस लिस्ट अपने लिए बना पाए। याद रखना है कि हमें बेस्ट बेस्ट कॉलेज सबसे पहले रखना है, उसके बाद प्रायोरिटी कम होती चली जाएगी, बेस्ट टू लो कॉलेज जो होने वाला है वो हमें प्रेफरेंस में रखना है। ये गलती अगर आप नहीं करते हैं तो एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है भैया। हाँ, ये वाली चीज आपको याद रखना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो पता चले लो कॉलेज को आपने पहले रख दिया तो वो मिल जाएगा, फिर आप क्या अपग्रेड करोगे, कुछ अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है डीयू के कॉलेजेस आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए। दोस्तों में शेयर कर दो भैया, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए यहां हम जाएंगे, सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करेंगे बीए ऑनर्स अप्लाइड। क्या है भैया ये? साइकोलॉजी है ना? हाँ भैया, तो साइकोलॉजी के लिए यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो ये चाहिए कि कोई भी लैंग्वेज चलेगी लिस्ट ए से, इसके अलावा दो सब्जेक्ट चाहिए लिस्ट B1 से, और कोई एक सब्जेक्ट चाहिए B1 और B2 में से एक, ठीक है। मेरिट जो भी बनेगी CUET के स्कोर पे उसके बेसिस पे ही एडमिशन मिलने वाला है। अब देखो कौन कौन से कॉलेज ये जो साइकोलॉजी में ऑनर्स करा रहे हैं, वो कौन कौन से कॉलेज करा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज है, रामानुजन कॉलेज है, कोएड ही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, ये वुमेन कॉलेज है, श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग वाला है ना, इवनिंग कॉलेज है, और विवेकानंद कॉलेज वुमेन्स है। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो आपको इनमें क्या करना है, अगर मान लीजिए ये कोर्स आप करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको 5 मिलने वाले हैं। अब ये 5-6 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें प्रेफरेंस आपको रखनी है कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा। अगर आप गर्ल्स पार्टिसिपेंट हैं तो आपके लिए ये सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन अगर एज अ बॉय हैं आप तो भैया एक तो भीमराव अम्बेडकर एक ऑप्शन होगा, रामानुजन एक ऑप्शन आपके पास होगा, या श्री अरविंदो कॉलेज एक ऑप्शन होगा, बाकी 3 तो चले ही जाएंगे क्योंकि आप वो वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो इनमें आपको प्रेफरेंस देखनी पड़ेगी, तो ये चीज थोड़ा सा आपको सोच समझ के भरनी पड़ेगी। फिर भैया बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में यहां पे जो ऑप्शन और अवेलेबल है वो क्या है भैया, ये आर्यभट्ट कॉलेज, भारती कॉलेज, ये वुमेन्स कॉलेज है, दौलतराम वुमेन कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी वुमेन कॉलेज है, जीजस मैरी वुमेन्स कॉलेज, कमला नेहरू वुमेन्स कॉलेज है, केशव महाविद्यालय, ये ऑप्शन है कोविड के लिए, लेडी श्रीराम वुमेन्स कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज वुमेन्स कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज वुमेन्स कॉलेज है, शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन्स, ये भी वुमेन्स कॉलेज है, और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, अगर वुमेन्स है तो बहुत अच्छे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अदरवाइज कोविड वाले तो कम ही ऑप्शन है लड़कों के लिए, ठीक है। तो इसको आपको देखना है बस, ठीक। सीट मैट्रिक्स यहाँ पर बताई दी है, तो आप पॉज करके उसको देख सकते हैं ताकि आपकी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ये आपको पता चल जाए। अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज चुननी है लिस्ट से, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, जो आपका सब्जेक्ट आपको चूज करना है B1 से, वो CUET में जो भी आपकी मेरिट आएगी उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। कौन कौन से कॉलेज ये आपको ऑफर कर रहे हैं, आर्यभट्ट कॉलेज, आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज फॉर वोकेशनल स्टडी है, दौलतराम कॉलेज वुमेन्स है, वुमेन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है, देशबंधु कॉलेज एक ऑप्शन है, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दयाल सिंह, गार्गी वुमेन कॉलेज है, हंसराज और हिंदू कॉलेज। तो अपनी प्रेफरेंस ऐसे ही बनना है, हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, इनको टॉप प्रायोरिटी देना है ना। ये यहाँ आपको अल्फाबेटिक ही मिलेंगे, और आपकी प्रेफरेंस में जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे ना वहाँ भी आपको अल्फाबेटिक ही लिखेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अल्फाबेटिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से हिंदू कॉलेज बेहतर है तो फर्स्ट वही रखना है, सेकंड फिर हंसराज रख दिया चलो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको प्रेफरेंस रखनी है, नहीं तो आप ऊपर से नीचे ऐसे ही सेट कर दो, कचड़ा कर दोगे खुद को, ठीक है, वो नहीं करना है। चलिए अगर कोई समस्या है तो नीचे भैया आपको फॉर्म मिल जाएगा, दोस्तों से भी बता दो, आप उस पर क्लिक करके सारी डिटेल फिल करके हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी और बता देगी क्या ऑप्शन है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स, जानकी देवी मेमोरियल, जीजस मैरी वुमेन्स, कलिंदी हो गया, कमला नेहरू, किरोरीमल, लेडी श्रीराम, लक्ष्मीबाई, मैत्रेयी, मिरांडा, मोतीलाल नेहरू, PGDAB, राजधानी कॉलेज, रामानुजन हो गया, रामजस हो गया, सत्यावती हो गया, दोनों है ना, इवनिंग वाला भी है ऑप्शन, शहीद भगत सिंह कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज है,
है ना, SRCC। इसके अलावा श्यामलाल कॉलेज हो गया, श्यामलाल इवनिंग भी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरविंदो कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, इसके अलावा गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज हो जाएगा, सेंट स्टीफन हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सारे के सारे 40 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है या इकोनॉमिक्स से क्या करने के लिए, ऑनर्स करने के लिए, तो SRCC को ही प्रेफरेंस देना नंबर वन, इसके अलावा कोई नहीं। फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए। तो वही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो गलतियां आप करोगे और अपने लिए ही भुगतोगे, ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी से अगर BA ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो भैया यहाँ पे आपके कोई भी दो सब्जेक्ट होने चाहिए, एक लैंग्वेज होने चाहिए, बढ़िया। अदिति महाविद्यालय, वुमेंस कॉलेज है, भीमराव अंबेडकर है, दयाल सिंह है, इंद्रप्रस्थ है, कलिंदी है, कमला नेहरू, किरोरीमल, मिरांडा, शहीद भगत सिंह इवनिंग भी है, शिवाजी, श्यामा प्रसाद और स्वामी श्रद्धानंद। ये सारे 13 ऑप्शंस आपके पास ज्योग्राफी के लिए अवेलेबल हैं। हिंदी पत्रकारिता से करना चाह रहे हैं ऑनर्स तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल जो ऑप्शंस हैं वो चार ही है, अदिति महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रामलाल है और गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है। इसके अलावा अगर हिस्ट्री से करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, जो कि हैं आर्यभट्ट कॉलेज हो गया, आत्मराम सनातन धर्म हो गया, भग्नि निवेदिता हो गया, भारती हो गया, इसके अलावा वोकेशनल स्टडी हो गया, दौलत राम हो गया, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स दिल्ली कॉलेज, ठीक है, देशबंधु हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गया, दयाल सिंह हो गया, इसके बाद गार्गी हो गया, हंसराज हिंदू, इंद्रप्रस्थ कॉलेज हो गया, जानकी देवी मेमोरियल, जीजस एंड मैरी, कलिंदी, कमला नेहरू, किरोरी मल, लेडी श्रीराम, लक्ष्मीबाई, मैत्रेयी, माता सुंदरी, मिरांडा, मोतीलाल, मोस्ट ऑफ देम इनमें क्या है, वुमेंस कॉलेज है। तो अगर आप गर्ल्स पार्टिसिपेंट हैं या कैंडिडेट हैं तो बेहतर है आपके लिए, अदरवाइज कोएड कॉलेज कम है तो भाई फिर आपको थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर लिस्ट को प्रेफर करना पड़ेगा, कम ऑप्शन मिलने वाले। और देख लो भैया इसी में मोतीलाल नेहरू हो गया, PGDAB हो गया, राजधानी हो गया, रामजस हो गया, रामलाल हो गया, सत्यावती है, सत्यावती के बाद शहीद भगत सिंह, शिवाजी, श्यामलाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री गुरु नानक देव खालसा हो गया, तेग बहादुर खालसा कॉलेज हो गया, वेंकटेश्वर है, सेंट स्टीफन है, स्वामी श्रद्धानंद है, विवेकानंद है, जाकिर हुसैन है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके 45 ऑप्शंस है कॉलेजेस के, वो किसके लिए हैं, गर्ल्स पार्टिसिपेंट के लिए, बॉयज़ है कोएड कॉलेज कम है, इसमें मुश्किल से 10-12 ही हैं तो भैया आपको समस्या होने वाली हो सकती है। चलिए ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज की बात कर लें तो यहाँ क्लस्टर इनोवेटिव सेंटर से ही ये ऑफर मिल रहा है आपको इस कोर्स के लिए, ठीक है। जर्नलिज्म की बात कर लें तो अगेन यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, जैसे भारती कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स हो गया, होम इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा कलिंदी कॉलेज है, कमला नेहरू है, लेडी श्रीराम है और महाराजा अग्रसेन है, ठीक है। तो भैया ये आपको चेक करना है क्या ऑप्शंस आपके पास होने वाले हैं। जर्नलिज्म का 5-ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आप करना चाहें तो आपको यहाँ से दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से ये ऑप्शन मिल रहा है तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया मास कॉम की बात करें तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमन गर्ल्स पार्टिसिपेंट के लिए ही है ये। फिलोसफी से अगर करना चाह रहे हैं तो फिलोसफी के लिए तो पर्याप्त ऑप्शन है आपके पास, दौलत राम कॉलेज हो जाएगा, दयाल सिंह कॉलेज हो जाएगा, गार्गी है, हंसराज हिंदू, इंद्रप्रस्थ और जानकी देवी, कमला नेहरू, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और देख लें तो लेडी श्रीराम है, लक्ष्मीबाई है, माता सुंदरी, मिरांडा, रामानुजम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सेंट स्टीफन, जाकिर हुसैन, दिल्ली कॉलेज। तो ये सारे 16 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलने वाले किससे रिलेटेड, फिलोसफी से। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शन आपको जो मिलने वाले हैं वो आर्यभट्ट कॉलेज है, आत्मराम सनातन धर्म, भग्नि निवेदिता, भारती कॉलेज, दौलत राम और ये कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देशबंधु हो जाएगा, दयाल सिंह हो जाएगा, गार्गी हो जाएगा, हिंदू है, इंद्रप्रस्थ है, जानकी देवी, जीजस मैरी, कलिंदी, कमला नेहरू, किरोरीमल, इसके अलावा लेडी श्रीराम हो जाएगा, लक्ष्मीबाई, महाराजा अग्रसेन, मैत्रेयी, माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा हाउस भी ऑप्शन में है, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा और PGDAB, राजधानी, रामजस, रामलाल, रामानुजन है ना, सत्यावती, शहीद भगत सिंह, शिवाजी, श्यामलाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री अरविंदो कॉलेज, गुरु नानक देव खालसा, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज हो जाएगा, वेंकटेश्वर हो जाएगा, विवेकानंद, जाकिर हुसैन, ये सारे ऑप्शन 46 ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। सोशल वर्क से अगर BA करना चाह रहे हैं तो भैया ऑनर्स में आपको ऑप्शन मिलेंगे अदिति महाविद्यालय और BR अंबेडकर कॉलेज। इसके अलावा सोशियोलॉजी की बात करें तो यहाँ ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, भारती कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ, जानकी देवी, जीजस मैरी, कमला नेहरू, लेडी श्रीराम, लक्ष्मीबाई, मैत्रेयी, मिरांडा और वेंकटेश्वर कॉलेज। BA सिंपल प्रोग्राम, अब सिंपल प्रोग्राम के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाने वाले हैं जो बहुत सारे कॉलेजेस करा रहे हैं, एलिजिबिलिटी तो है ही, ठीक है। आपको अदिति हो गया, आर्यभट्ट, आत्माराम, भग्नि निवेदिता, भारती, दौलत राम, दीनदयाल, दिल्ली कॉलेज, आर्ट ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा देशबंधु, भीमराव अम्बेडकर, दयाल सिंह, गार्गी, हंसराज, हिंदू, इंद्रप्रस्थ है ना, जानकी देवी, जीजस एंड मैरी, कलिंदी, कमला नेहरू, किरोरीमल, लेडी श्रीराम, लक्ष्मीबाई, महाराजा अग्रसेन, मैत्रेयी, माता सुंदरी, मिरांडा, मोतीलाल नेहरू,
पीजीडीएबी, राजधानी, रामलाल, रामानुजम, रामजस, सत्यावती, शहीद भगत सिंह, शिवाजी, श्यामलाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री अरबिंदो, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, सेंट स्टीफन, स्वामी श्रद्धानंद, विवेकानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन और जाकिर हुसैन इवनिंग वाला। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे सिंपल बीए प्रोग्राम के लिए मिलने वाले हैं। तो भैया ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मुझे लगता है किससे रिलेटेड हैं, आर्ट्स कोर्सेज के लिए, है ना, आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए। मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो हम अगले वीडियो में अलग से वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप ये कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है ये ऑप्शंस आपको ज़रूर पता चल गए होंगे कि क्या क्या ऑप्शन है। प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से भरनी है, लेकिन टॉप टू बॉटम पे क्या रखना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट कॉलेज, अच्छे से अच्छा, और फिर उससे कम आते चले जाना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या चाहते हैं आप, क्या आपको डाउट्स आ रहे हैं, तो हम उस पर भी आपका डाउट रिजॉल्व करेंगे। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी है जिसको फिल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।